गोरखपुर महोत्सव के तहत एनएक्सी भवन के सभागार में गौ संरक्षण एवं आत्मनिर्भर पशुपालक विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के दुग्ध विकास पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया। कार्यशाला में वक्ताओं ने गौ संरक्षण एवं आत्मनिर्भर पशुपालक विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है तथा इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती गाय के दूध से मिलती है और यह सिर्फ गायों के संरक्षण तथा उनके रखरखाव, खानपान व देखभाल से संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि गौ पालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार योजनाएं चला रही हैं, इससे खुद के उत्पाद तैयार करके उनसे होने वाली आमदनी पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि बायोगैस और गौमूत्र और गोबर से बनने वाले पदार्थों से अच्छी आमदनी हो सकती है, इससे पशुपालकों की स्थिति को सुधार हो सकती है और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उनके लिए सराहना करता हूं। आज सुबह में ही आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरी भेंट भी हुई और बहुत सविस्तर उत्तर प्रदेश में इस मुहिम को गौ रक्षा की, गौ संरक्षण की, गौ पालन की, गौ संवर्धन की इस बारे में काफी मात्रा में चर्चा हुई है। मैं मानता हूं कि आज का विषय भी इसी दिशा का कि गौ संरक्षण के आधार पर कैसे हम यहाँ बैठे यूपी की बात करेंगे। पहले गौ माता को, गाय के विषय को समझ करके उनको बराबर का एक बचा करके कि क्या क्या गाय का साइंस, कितना गाय में विज्ञान भरा हुआ है, हमारे शास्त्रों में जो है वैसा ही गाय में जो विज्ञान है उनको समझ करके समाज के सामने कहीं आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में, कहीं पर्यावरण के रूप में, कहीं युवा है तो उद्यमिता के रूप में, किसान है तो एग्रीकल्चर के रूप में, मैं खुद डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर है तो हेल्थ के इश्यूज में, आज कोरोना काल में सब लोग जब इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गाय का रोल, ये सब विषय को लेकर के, अलग अलग विषय को लेकर के आज वो यहाँ चर्चा होने वाली है। उसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिसे आपको सबको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की, साहिवाल भी है और बाकी की तीन डिस्ट्रिक्ट भी है, इन सब गाय का कैसे अच्छी तरह से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट साइंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट हो, गाय का दूध कैसे बढ़े, उनका हेल्थ कैसे अच्छा रहे, उनके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की। उसके आधार पर ओवरऑल काउ मैनेजमेंट, हेल्थ से लेकर के गाय का रख रखाव, गोपालन कैसे किया जाए, दूधियों में सबको पता है, एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं सबको मिल करके कैसे सुचारू रूप से एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि एक भी गाय हमारे रास्ते पर न रहे। मेरा से दो वर्ष का एक अच्छा गौशाला जो समाज या गौशाला जो है यहाँ